टाइम लगाया, तुम्हारी वजह से हुआ ये जो कुछ भी, किसी और के पास ले जाते मेरे आज शादी हुई होती, मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है तुम्हारे होने में। आप इतने हफ्ते यू बंडा चले, यू गंडा जब जाऊंगा ना मैं, जब कोई मेरी शादी होगी, अभी उन्होंने 40-42 साल की लड़की दिखाई, अभी भी मैंने ऐसा थोड़ी होता है। भाई को फोन कर रहा था, वो लगे में आपके काम के अंदर, हो सकता है वो आज, आप तो कब तक हो जाएगा ये काम, मेरे को जाना नहीं है, मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा क्या? आपसे आज मुलाकात करेंगे वो सन्नू मन्नू भाई, पता नहीं कब करेंगे मुलाकात। ये मुलाकात करते हुए 20 दिन हो गए, आपकी वजह से मेरे को और रोकना पड़ा है। ये लो बात करो, उनको बुलाओ, वरना मेरे पैसे उनसे वापसी कराओ। बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ है उन लोगों ने भी। भाई फोन मिलाओ ना यार, क्या बात है? अब मिला तो रहा हूँ, अब नंबर बिजी चल रहा है उनका, जरा मशरूफ होंगे किसी काम के अंदर, अब मैं कर रहा हूँ। आप जल्दी मिलाओ, उनको बुलाओ, और लगती है मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ फिर यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मन्नू भाई, कहाँ पर हैं आप यार? आ जाए दादा सर, बहुत बिगड़ना है मेरे पे, आ जाए आप दादा जल्दी आए। आपको कल भी बोला था मैंने, आज भी फिर यही दोबारा सर इसी टॉपिक को लेके बैठे हैं। असल में एक हफ्ते 12 तारीख का बोला था, वो जाना है उनको युगंडा लेके शादी करके, आए आप दादा आए। चल अल्लाह, क्या कह रहे हैं वो, क्या बात हुई तुम्हारी? बोलने आ रहे हैं। अरे वो आए ना जाए, कितना टाइम हो गया उनको यही बोलते बोलते। मैं वो कहीं गए हुए ही है ना, आपके काम के लिए ही गए हुए, आ रहे हैं वो। काम आपने, मैंने ऐसा क्या काम दे दिया उनको? एक शादी का तो बोला था, वो तो उनका काम है। उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे से मांगे थे शादी के। सही है सर, मैं 1 लाख रुपया तक देकर आ गया हूँ उनको, इसी वजह से कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो। अभी आए थे सर, 10 मिनट और वेट करें, आप इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? चले देख लेते हैं। सही है सर, तशरीफ रखो आप लोग, तशरीफ रखो। तशरीफ तो नहीं लाए, तशरीफ नहीं लाए, नहीं रजा, इनको बतलाओ बेटा। वहाँ बैठे वहाँ आप लोग, वहाँ बैठे। क्या हुआ क्या आप लोग? अरे टक्कर लगे, टक्कर ट्रालर ने टक्कर मारी है, हमारी कार में थोड़ी बहुत चोट आई है, वो टूट गया। ट्रालर टूट गया, ट्रालर टूट गया। क्या बात है, सारी की बात है, उसने हमें टक्कर मारी। रजा मेरे को आप लोगों के पास इसी वजह से लेके गया था कि आपकी बात है बहुत प्यारी है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सारी मेहनत आपके लिए की, कहा का हमने कहा का नहीं कहा, कहा का नहीं कहा, आप कहाँ कहाँ नहीं गए आपके लिए? आपकी जो मेहनत है ना, वो मेरे को पिछले हफ्ते में नजर आई थी, जो 42 साल की लड़की सर, 28 साल की बच्ची थी सर। फिर आपने किसी और को देख लिया होगा? किसको देख लिया? अरे हम तो लाए थे वो। रजा आप बतलाओ मेरे को, सर पाकिस्तानी लड़कियां थी ना, वो तो दिखाई थी आपको? हां वो सर पर होती है, अरे सर पर होती है, वो खेत में ऐसे नाचती हुई छोड़ छोड़ के तेरे टूट गया सर। आप लोगों ने बहुत, अभी जो नई करनी शादी पैसे दे देते हैं, पैसे देने आपके पैसे और मुझसे ले लो, पैसों की बात नहीं करो। आपने जो ये मेरे से 1 लाख मांगा था, मैंने आपको 1,20,000 रुपये दिया, 20,000 रुपये आपको मैंने खुशी से दिए, वो यूं कि आप मेरे ये काम करेंगे। आपका जो आज काम किया ना, आप शर्त क्या कर रहे हो कि हमें 10 लाख रुपए देंगे? ये आपकी बातें, ये बातें नहीं, ये पाकिस्तानियों की बात होती है, नहीं ये बात है। सर एक दफा देख ले, सर देख ले, आपको आज हम पाकिस्तान की ऐसी हसीनों से भी लड़की दिखाएंगे
कि उसे आप देखती कहेंगे कि ये मिसेस पाकिस्तान है। ओ मिस पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान। मनु भाई आप तो मैडम पिछले 21 साल की बोल रहे थे, 21 साल की है। किस पे? हां 6 महीने कम कर दें, कम कर दें। 21 साल की है वो। बिल्कुल सर, वो मैडम पिछले आ गई है। ऐसा कर लिया मैं, आ गई आ गई मिले क्या? मैंने वो व्हाट्सएप करा था इन्होंने। अब तुम जल्दी से मनु, हां ये वो 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 क्या कह रहा, कोल्ड ड्रिंक मंगा लो फौरन जल्दी से। युगंडा उसे युगंडा मनु भाई, ईशा ईशा आई है। युगंडा युगंडा सर, ईशा मिस ईशा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये आई है। मिसे युगंडा, युगंडा युगंडा युगंडा, अरे मिस्टर युगंडा कहाँ है आप? युगंडा मिस्टर युगंडा, सर रिश्ते के लिए मिस ईशा। आप बैठे सर, मैं बैठू? आप तो क्यों बढ़ गए? हाँ बताइए। अभी जाने इनको थोड़ा, आपको नहीं पता की पर्सनालिटी कहाँ की पर्सनालिटी? यही मिस अरबपति आदमी, यही मिस इंडिया रह चुकी है, वहां से आई है। बहुत हमारी बड़े एजुकेशन है, बड़े इन्होंने मास्टर्स किए हैं। और आपको पता नहीं हमारी बाइक भी नहीं है, एक मोबाइल भी खराब हो गया है। सर कोई तरीका है? सर इनका भी कर दे ना आपका। सर आपको पसंद नहीं है क्या लग रहा है मन को? अरे अगर पसंद नहीं है मिस्टर युगंडा साहब तो बताइए, चलो इसे हम चलते हैं। बैठे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? जवाब ही नहीं दे रहे आप। जवाब जवाब आपको मिल जाएगा ना। अरे कभी देगा तो भाई, तो बाइक भी खराब है, हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे कुछ तो कहे आप, क्या भाई यही है वो है फलाना है, और हम गाड़ी बनवाने चले आएंगे हम। राजा ये था, इनकी गाड़ी टूट गई है, इनको चाबी नाम पर नहीं है तो हो जाएगी, हो जाएगी। कार भी आ जाएगी, मोबाइल भी आ जाएगा, आपकी पेमेंट भी फोन हमारा टूट गया सर। राजा इनको ये भी दो सर, ये हम ले लें। बात यह है कि हमारे युगंडा के बहुत प्यारे इंसान है, दोस्त है, बड़े बहुत बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा कारोबार के रक्षा में आना होता है, इतना बड़ा कारोबार। अच्छा दूसरी बात यह है कि शादी करने के लिए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से इनको बड़ी बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमने बहुत सारी लड़कियां दिखाई लेकिन पसंद नहीं आई। अच्छा अब आपको है क्या माशाल्लाह आपको पसंद करने लगे हैं, अब आप ये बताइए कि ये आपसे शादी करना चाह रहे हैं तो आप चाहे तो बात कर ले इसे, और जो भी आपके शरायत हो, जो भी ख्याल हो आपके, जो भी ऐसा साथ हो आपको बताइए, और आप भी बताइए। सही ना? हाँ तो सर आपको मेरे साथ युगंडा जाना पड़ेगा। युगंडा लेके जाए जी, देख लें आप, टेंशन नहीं है। ऐसे नहीं आएंगे, शादी करके ले जाएंगे। शादी करके लेके जाऊंगा मैं आपको।
मैडम देखिए साहब के पास बहुत दौलत है माशाल्लाह से, हर लोते भी आप हजरत सोचे हैं ये आपको बहुत सारी जायदाद के अकेले वारिस सर आएगा सर सर एक युगंडा युगंडा सोने के तो बर्तन हैं इनके सोने के बर्तन हैं और ये जो गाड़ी में मिलती है वो सामान होता है वो चांदी है भाई बहुत पैसा है इनके पास बहुत पैसा है भाई कमाल है अब आप बताइए अपनी किस बात आपकी भूल गई है बात कर ले सर भूख भी लग रही है सुन लूं भूख लग रही है नजर पानी चाहिए कुछ नहीं है इतनी मेहनत कर रही बाइक फूट गई गाली अरे कुछ साहब 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 तो रिश्वत दे रहे हैं तो बात है साहब तो ना रजा इनको ले जाके खाना वाना खिलाओ फिर समझे कुछ भी नहीं लाया इनको लेके खाना वाना खा कर फिर आइए मैंने इनको इस वजह से खाना खाने के लिए भेजा आपसे बात करने के लिए आप मेरे साथ युगंडा चलेंगे पैसे की कमी मेरे पास ना थी और ना है आप खुश रहेंगी आपके लिए मैं अलग से एक बंगला बना कर आपको दूंगा उसमें हम दूंगा क्या ख्याल है आपका आप मेरे साथ युगंडा जाएंगे और मैं आपके लिए वहाँ पर जो तमाम मेरी जायदाद वगैरह है वो आपके नाम होगी आपके सोने का गोल्ड बनेंगे डायमंड आपके लिए होगा आप क्या कह रही हैं क्या सोच रही हैं क्योंकि मेरे को आप जैसा जीवन साथी चाहिए ये सल्लू मनु ने आपको बताया है कि मैं आपको युगंडा लेके जाऊंगा बाकी मेरे जो कुछ भी है वो आपका ही होगा मैंने आपके गोल्ड बनवा के रखे हैं सेट हैं डायमंड हैं आप पे बहुत अच्छे लगेंगे माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं कि आपके लिए मेरी जो कुछ भी है हाजिर क्या कह रही हैं आप क्या सोच रही हैं आप देख लें आप के नाम होगा सब कुछ मेरे शादी मैंने यूं नहीं करी थी कि मेरे मतलब की कोई मैं इतनी देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अगर मैं पसंद नहीं आया या आप अगर मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो मैं फिर ऐसे ही युगंडा चला जाता मैं बहुत अच्छे इंसान है मुझे बहुत पसंद है बहुत अच्छी शख्सियत है आप मुझे बहुत अच्छे लगे मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ पैसे की तो ज़रूरत आजकल सभी को ही है लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए लेकिन ज़रूरत के तो ज़्यादा इस्तेमाल करना ही पड़ता लेकिन आप बहुत अच्छे लगे मुझे आपसे शादी करने के लिए आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी इस वजह से मैं बस आप सल्लू मनु आ जाएं तो उनसे बात करके आपको युगंडा ले जाता हूं मुलाकात में
सफर में तेरी कमी, दिल तेरा ही तो है मेरे हद की जमी। हम दर्द तू दर्द से मेरे वाकिफ नहीं, करीब देख तू आंखों की नमी। क्यों ख्याल में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। Thank you.